सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गार्डन। आप ये देख सकते हैं, ये हम लोग का मोगरा का पौधा है। ये एकदम अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। इसकी एक कलिया दे सकते हो आप, एक ही कलिया ये बाकी, ओके। और ये 12 इंच के गमले में लगा हुआ है और इसकी गहराई भी ज़्यादा नहीं है, ये दे सकते हो आप। और ये इस प्लांट की केयर ज़्यादा मतलब इजी नहीं है इजी इसकी, क्योंकि इसकी बहुत केयर करनी पड़ती है, क्योंकि ये सेमी वाइन प्लांट है। इसकी बहुत मतलब ब्रांचेस आजू बाजू से बढ़ती रहती है, हमको टाइम टू टाइम प्रूनिंग करना होता है, क्योंकि हमने प्रूनिंग नहीं किया तो ये पौधा ज़्यादा बढ़ जाता है और इसको फ्लावरिंग बहुत कम होती है। तो मैं इसको इधर से मैं प्रून कर दूंगा यहाँ से, तो इसको मैं प्रूनिंग का मेथड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा इसको, क्योंकि इधर जल रहा है, आप देख सकते हो ज़्यादा धूप की वजह से। तो ठंडी है अभी, ठंडी में भी थोड़ी सी ज़्यादा धूप आती है, ज़्यादा नहीं है पर थोड़ी सी आती है धूप, तो इसके वजह से इसका प्लान ये ऐसा होता है। पर अच्छी है, पर इसके रूट्स भी आप देख सकते हो कितने अच्छे से बढ़ रहे हैं, क्लियरली दिख रहा होगा। और इसके आप कभी भी प्रूनिंग करो तो इसकी प्रूनिंग का कभी भी जाया मत दो। ये देखो मैंने इधर से ऐसा लगाया था इसका, तो इसको अब ये इधर से आपको दिख रहा होगा मैंने ये कटिंग लगाया, मैंने डायरेक्ट ऐसे ही घुसा दिया था, मैंने कुछ इसमें सेड वेड कुछ नहीं लगाया था। तो आज मैं उसकी कटिंग भी करना सिखाऊंगा आपको, आप देख सकते हो इधर से फिर एक इधर से ब्रांच आ रही है एक ही में से, मैं छोटी सी कटिंग लगा देता हूँ। अभी मैं इधर से कट कर दूंगा, तो इधर से भी इसको अच्छे से दो दो सूट्स आने लगेगी। और इसको हम फर्टिलाइज कौन सा दें, फर्टिलाइजर सबसे मेन होता है इसमें, तो इसमें मैं आपको पता है मैं खाद भी कुछ नहीं देता अलग अलग, तो मैं इसको सोडा स्प्रे और फिर बनाना पिल फर्टिलाइज़र, चाय की पत्ती देता हूँ, कभी कभी इसमें कॉफ़ी का भी पानी डाल देता हूँ, ऐसा अलग अलग कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। और इसकी प्रूनिंग भी मैं टाइम टू टाइम करता हूँ, तो इसकी वजह से क्या होता है इसको अच्छे से बढ़ रहा है, आप देख सकते हो। इसको ठंडी में फ्लावरिंग और बढ़ना भी बंद हो जाता है, पर अभी नवंबर ख़त्म होने के लिए आया है, तभी अभी तक इसको कुछ अलग से कुछ नहीं हुआ है। तो इसको हम प्रून करके ऐसी में धूप में पूरे दिन की धूप दिखा देता हूँ इसको, तो ऐसी इसकी केयर कीजिए। और कभी समझो कभी कभी आपको इसमें ब्लैक फर्स वो दिखते, तो जल्द से जल्द आप वो पट्टा काट के सोडा स्प्रे कर लो, मेरे भी इसमें हो गया था, तो मैंने वही करके इसको अच्छे से ये कर दिया। और इसको अभी आप फुल धूप जितना आप धूप दोगे ना इतना ही अच्छे से बढ़ेगा, तो ये आप किधर से भी काट सकते हो और इसको फिर न्यू ग्रोथ स्टार्ट होगी। मैंने इसको आप सच नहीं मानोगे, मैंने यहाँ से ऐसे काट दिया था सबको ऊपर से, क्योंकि मैं नीचे रखने समय मुझे बड़े नहीं चाहिए, डायरेक्ट मैंने ऐसे ऊपर से काट दिया। ये पूरा अभी तीन महीने हो चुके हैं इसको, तो इसकी एकदम अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट होगी। इसमें कली भी आ गई, ऐसी आप इसकी केयर कर रहे हैं आपको ये बहुत अच्छे फ्लावरिंग देंगे। मैं आपको जल्द से जल्द इसकी कटिंग की वीडियो भी बताऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। आपको समझे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपको कुछ और आइडियाज़ होगी उसको लाइक कीजिए, उसको कमेंट में डाल सकते हैं, और आपको और कुछ क्वेश्चन होगी वो भी कमेंट में डाल सकते हो। अब जब भी सब्सक्राइब करोगे आप, तो उसके नीचे का बेल आइकन का भी बटन जरूर।